भारत आदिवासी पार्टी की ओर से सलाना विधायक बने कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्हें लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर ने विधायक पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि विधायक डोडियार का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ अवैध तरीके से गर्भपात करने की शिकायतें लगातार आ रही थी, इसलिए उसे क्लिनिक बंद करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह वीडियो सैलाना के एक डॉक्टर तपन राय का बताया जा रहा है। वीडियो में वह यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से विधायक उन्हें परेशान कर रहे हैं और क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के एवज में 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक कमलेश्वर डोडियार शुक्रवार को सैलाना के बजाना में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जा धमके थे और 3 घंटे वहीं बैठे रहे थे। इसके बाद क्लिनिक के डॉक्टर तपन राय का देर शाम एक वीडियो जारी होता है, जिसमें वे विधायक पर 1 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाते सुनाई देते हैं। पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा एक बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की जी। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है, फिर इन्हीं के आधार पर इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है जी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में जी। ये करोड़ की बात कहां से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूं, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूंगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये लोग करते, ये व्यक्ति करता था जी। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए, इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था जी, तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख जी जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा अवैध काम कर रहे, इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहां से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ठीक है, मिलने के लिए गया था, जब मिलने गया उन्होंने मुझसे बोले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल वोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए, अंदर मेरा एक ये अंकल सारू को भी साथ में लेके गया था, इनको इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला कहा क्या क्या डिग्री है बताओ, मैंने बोला फार्मासिस्ट हूँ, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूँगा। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो, उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूँगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया, और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी है, क्या नाम उनका, दशरथ ढिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की, आपको मौका दिया हमने बात करने की लेकिन आपने उनसे बात नहीं की, अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, तेरे को यहाँ आना नहीं पड़ता, अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है ये अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। बस उसके बाद साहब क्या हुआ, आपके यहाँ विधायक साहब आए थे चेकिंग करने के लिए, क्या बात हुई थी? अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था जी, आप मेरे शॉप या अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था, उन्होंने कितने रखा क्या बैठे? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने, 19 तारीख मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल वोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए, अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इनको इसको भी बाहर कर दिया।
फिर मुझे बोला कहा क्या क्या डिग्री है बताओ। मैंने बोला फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की। आपको मौका दिया हमने बात करने की लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफ्तार हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता।